वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो 146 पे यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक ने। 0.77% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के ऊपर नजर डालेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के जैसे कि इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे तो करंट प्राइस जो है इंट्रेंसिक वैल्यू से देख सकते हैं कि ज्यादा है, जो कि यहाँ पे आप देख अच्छी बात नहीं है। आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो बैंक एफडी से तो अच्छा रिटर्न दे रहा है स्टॉक, और डिविडेंड की बात की जाए तो देख सकते हैं कि स्टॉक अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स भी ऑफर कर रहा है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। नो रेड फ्लैग्स आने के देख सकते हैं, स्टॉक SM/JSM लिस्ट में नहीं है और तकरीबन प्रोमोटर होल्डिंग में ज्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है। तो देख सकते पावर ट्रेडिंग स्टॉक के पावर ट्रेडिंग सेक्टर में मुड़ता है, और यहाँ पे आप देख सकते स्मॉल कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 13,000 करोड़ की है, और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क का स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। पी रेशियो 42 का है, डिविडेंड की बात किया तो 1.37% का डिविडेंड यील्ड है। रेटिंग देखी जाए एनालिस्ट की तो जितने भी एनालिस्ट ने राय दी थी उनमें से 33% एनालिस्ट सिर्फ सजेस्ट करते हैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बाकी के जो डिटेल्स है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर नजर डाली जाए तो पिछले 3 सालों से देख सकते हैं, पिछले 4 सालों से की बात की जाए तो हर साल यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले, तो रेवेन्यू के साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी पिछले 4 सालों से ग्रोथ देखने को मिले, अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज न्यूज की बात की जाए तो देख सकते हैं इंडियन मीन्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम डिक्लाइन 8% ईयर ऑन ईयर टू 8,160 इन सेप्टेम्बर 2022। तो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।